2 दिन से बस यही काम हो कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये लोग तो टाइम पास करता है इसलिए अभी तक खत्म नहीं हुआ। गाइस उठा उठा के पूरा हाथ दर्द दे रहा है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच में बहुत भारी है। इधर देखिए ये तो और ज्यादा भारी को लेकर के आ रही है, इनको हाथ में उठाना बनेगा नहीं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है फिर से दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह हो गया है और आज काम का हो गया हम लोग का फिर से। तो अभी 9 बज रही है और अभी हम लोग निकलेंगे, खाना उना पूरा खा लिए तो थोड़ा देर रेस्ट कर रहे खाने के बाद, क्योंकि मेरा ना बहुत ज्यादा पैर दर्द दे रहा है। तो अभी मेरा ये मसाज कर दी तो अभी थोड़ा हमको ठीक लग रहा है, चलने में भी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग चलिए चलते हैं और हम लोग का काम फिर आज क्या काम मिलेगा पता नहीं, कल तो उठाने वाला इनको काम मिला था हमको बोलने वाला, तो आज क्या काम मिलता है चलिए जाके देखते हैं। अपने काम में आ चुके हैं और इधर देखिए सबको आ चुके हैं, आज थोड़ा लेट नहीं हुआ, सबको साथ में आ गए। और देखिए हम लोग पहले दो बार आए हैं लेट और बैठे हुए थे तो अच्छा नहीं लगता है, पहले तो साथ में सब आता है तो अच्छा लगता है। तो आज देखिए साथ में आ चुके हैं और अभी हम लोग का काम स्टार्ट होने वाला है, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। हाँ यहाँ दो जगह काम होता है गाइस, एक ये वाला बिल्डिंग जहाँ बास्केटबॉल का प्लेग्राउंड बन रहा है वो देखिए, वहाँ एक मतलब पढ़ाई हो रहा है, ये पास वाला ही स्कूल तो का बन रहा है। छत में हम लोग को जाना है जो कि कल हम लोग ईटा लेके जा रहे थे ऊपर सबसे ऊपर छत में, तो आज वही काम होगा तो आज हम लोग को वहीं जाना है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और ताकि हम लोग ऊपर जाके दिखा पाए आप लोगों को कि क्या बन रहा है ऊपर। ठीक है गाइस देखिए ऊपर आ चुके हैं, आज भी ऊपर में काम है हमेशा की तरह, कल भी ऊपर में ही था। और इधर देखिए इनको क्या काम मिला, इनसे बालू और गिट्टी को मिक्स करने का काम मिला है, हमको पता नहीं कौन सा काम मिलेगा। और इधर देखिए पूरा सीमेंट उठा के मेरा पूरा टी शर्ट और पैंट गंदा हो गया। आधा से ज़्यादा लोग आज ऊपर ही काम करेंगे। और देखिए उधर उधर कुछ बन रहा है, उधर देखिए बाउंड्री टाइप का कुछ बन रहा है और उधर जोड़ाई चलेगा। तो आज इनका हम देखिए मुंह में आज ना बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है तो गंदा उड़ के मुंह में बैठ जाता है ना, इसी कारण हम मास्क लगा लिए। देखिए ठीक है, अच्छा आइडिया है मेरा, आप तो बालू खाएंगे। छत में धूप भी मस्त आ रहा है ना तो पूरा एकदम मजा आएगा काम करने में। धूप पूरा आ रहा है सामने, आसपास पेड़ भी नहीं, खाली खाली है ना, तो डायरेक्ट धूप छत में पड़ रहा है। देखिए अब कब से काम स्टार्ट होगा, काफ़ी लोग तो अभी से ईंटा वीटा लाना स्टार्ट कर दिए, वहाँ से यहाँ भेज दिया। कल के जैसा ही काम करना है, जब देख सकते हैं वही काम है हमारा, ये सब ईंटा सबको साफ़ करना है। और कल काफ़ी सारा साफ़ कर दिया, उधर देख सकते हैं पूरा खाली हो गया, तो दोनों मिलके आज फिर से करेंगे तो पूरा साफ। आज ज़्यादा बाकी नहीं है, बस थोड़ा सा बाकी है, बस इतना दूर तक इसको भी साफ़ कर ही लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। करते करते गाइस बहुत ज़्यादा थक गए इसलिए पानी प्यास लगा, तो देखिए इनको पानी देने के लिए लाएँ। पानी थोड़ा सा गंदा है लेकिन चलेगा, कुछ कुछ है इसके अंदर, देख रहे हैं चलता है। आज का काम थोड़ा सा मेहनत वाला है तो थकान तो हो गई, ज़्यादा नहीं है गाइस, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। हमको क्या मिला है, हमको ना सीमेंट का अंगूर मिला। अंगूर? हाँ सीमेंट का अंगूर, अंगूर। देख रहे हैं इसको, यहाँ भी मजाक सूझ रहा है, लगेगा चलो छिटका ना, देखिए 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 इसको, देखिए समझा रहे हो जाएगा हो ई। तो चलिए गाइस काफ़ी देर आराम कर लिया, अब फिर से काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको ख़त्म भी करना है, वरना फिर बोलेंगे कि 1-2 दिन से बस यही काम हो कर रहे हैं आप लोग, वरना सोचेंगे कि ये लोग तो टाइम पास करता है इसलिए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो गाइस आज देख सकते हैं हम लोग को एक साथ काम मिला है और बाकी लोग नीचे काम कर रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है और हमको इनके साथ काम मिला तो अच्छा लग रहा है आज साथ में, है कि नहीं? नहीं तो ये अलग हो जाते, हम अलग हो जाते, फिर चुपचाप देखा देखी बस चलता है हम लोग का, इनको देखेंगे हम दूर से, ये हमको देखेंगे दूर से, लेकिन आज हम लोग साथ में है तो मस्ती कर रहे हैं। गाइस बस इतना बाकी है और अभी ख़त्म हो चुका है, बस इतना बस थोड़ा सा काम है, उसके बाद पूरा एकदम यहाँ का काम ख़त्म, खाना खाने का टाइम हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं गाइस, ये ना ऐसे ऐसे पूरा सीमेंट वाला पत्थर पकड़ के ना हाथ पूरे छिला छिला जा रहा है, क्योंकि ये सीमेंट ना अचानक ऐसे उठाते हैं ना तो पूरा रगड़ देता है हाथ। काम खत्म हो गया, हालांकि थोड़ा सा बाकी है, सो उसको हम लोग सोच रहे हैं बाद में करेंगे ना, दोपहर का खाना खाने आने के बाद करेंगे।
और इधर देखिए एक नया काम मिला हम लोग को, ये इसको ले जाके उधर रखना है, ये इसको चाली बोलते हैं, और ये पटरा उटरा को ले जाके रखेंगे, और अभी थोड़ा देर में फिर खाना खाने जाएंगे, टाइम हो गया, खाना खा के आएंगे, फिर वो वाला काम करेंगे, खत्म करेंगे, फिर हम लोग को फिर से दूसरा काम मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, अभी दो ठो ले गए, उसके बाद अभी आराम कर रहे हैं, हालांकि थके नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या है ना, काम कर, हाँ काम करने का एक तरीका है, यहाँ पे क्या है कि सब कोई टाइम पास कर करके ऐसे एक दूसरे से बात कर करके आराम से काम करते हैं, ताकि फिर जल्दी जल्दी टाइम बीत जाता है। और गाइस बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत ही काम है ये, आप लोग मत सोचिए कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग बैठते हैं तो ये लोग काम नहीं करते हैं, वैसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिर मौका मिलता है थोड़ा सा तो उस टाइम वीडियो बना, क्योंकि देखते रहता है ना कि ये लोग जान भी रहे हैं कि ये वीडियो बनाते हैं, तो जो हम लोग के जो मालिक होते हैं ना, काम जो देखते हैं, वो लोग हम लोग पर गौर करते हैं कि यार ये लोग वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग छुप छुप के जब टाइम मिल जाता है ना तब हम बना लेते हैं। तो हम लोग देखिए अभी बांस लेके जाएंगे तो टाइम हो जाएगा खाना खाने के लिए, चलिए बांस लेके जाते हैं एक बार, और पटरी लेके जाते हैं तो हो जाएगा, फिर घर चलेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए, आधा घंटा भी रेस्ट करेंगे ना तो बहुत चल चुके हैं पूरा मुँह कान बोलिए, और अभी हम देखिए फूल एक पकड़े वहाँ पे, चलिए जल्दी जाते हैं और खाना खाते हैं और थोड़ा आराम भी करते हैं और रील्स भी बना के आएंगे, वो लोग बोल रहे हैं तो रील्स भी नहीं बनाए ये खाना, पर रील्स बनाना होता है इसीलिए हम लोग खाना लेके, सब चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के बैठ के खाएं, घर में जाके बनाना, रील्स बनाना पड़ता है, रील्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे अपडेट देना इंपॉर्टेंट है वैसे वहाँ पे भी, तो ठीक है ज़्यादा देर नहीं करते हैं चलते हैं, नहीं तो हम ही लोग का घाटा है, ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। एक घंटे हम लोग खाना वाना खा के वापस फिर से आ गए हैं, फिर से नींद लग रहा है, ये सो गई थी आराम करते करते, तो जितना हो सका हम लोग आराम कर लिए हैं, अभी फिर से आ चुके हैं, अब देखिए कौन सा काम मिलता है, पहले तो जैसा वो बोले थे कि पटरा वाला काम था उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाना है, चलिए उसको गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई और काम मिला, किसी को कुछ और काम मिला है, तो इधर देखिए दो भैया हैं जिनको कुछ अलग ही काम मिला है, यार इन लोग का काम प्लास्टर करने का काम है, देखिए किस तरह से प्लास्टर कर रहे हैं, नीचे बस सीमेंट लगाया हुआ है, देख सकते हैं ऐसे करके के थोप दिए हैं, और वो भैया हैं कि वो उसको लकड़ी की मदद से और करनी बोलते हैं ना, करनी की मदद से उसको प्लेन कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर किया हुआ है कितना मस्त लग रहा है ना, वैसे ही पूरा कर रहे हैं, हम हाथ से पकड़ के जाते हैं गाइस, और ये है कि सर में ऐसे करके ले जाती है, ये मस्त है गाइस, किसी को मारने के लिए ऐसे घुमा लीजिए पूरा ऐसे करके, देखिए इसको पूरा ऐसे कर घुमा लीजिए, ओए जो काम है इसका वो बताओ क्या काम होता है, इससे साहूल इसको बोलते हैं, इसको ना इससे नापा जाता है, माटी बस करते रहते हैं, हाँ, इससे नापा जाता है कि कहीं पे तो गड्ढा डिपा नहीं ना है, गड्ढा है या कुछ क्या बोलते हैं इसको, निकला हुआ तो कहीं भी नहीं ना, ऐसे नापा जाता है ऐसे करके, देखिए क्या है ये, ये युद्ध में होता है बचाव के लिए, ये तलवार लग ये छिटक रहा है, तो गाइस ये है कोई भी जगह हो गाइस, इनको बस खेलना सुस्ता है पता है, तो गाइस ये है वो पूरा सम करने वाला, ये है करनी, इसको करनी बोला जाता है, जो कि आप ऐसे उठा के कर सकते हैं या फिर देखिए हम यहाँ आने के बाद काफी चीज सीख गए हैं, क्या सामान को क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो सबको सीखना चाहिए, एक मतलब छोटा छोटा बात भी सीखना चाहिए सबको, लाइफ में काम आता है, किसको क्या बोला जाता है, कोई बोले कि करनी लाओ तो हम खुद एक दिन इनको बोले तो करनी लाने के लिए करनी लाइए, तो हमको पता ही नहीं था चीज को करनी बोलते हैं, बोल रहे हैं करनी मतलब हम क्या सोचते थे पता है गाइस, हमको करनी मतलब लगता है ना ये है, ये अब इसको है? इसको तसला बोला अजीब अजीब नाम है, हाँ कढ़ाई बोलेगा तो जान जाएगा कोई भी, गाइस उठा उठा के पूरा हाथ दर्द दे रहा है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच में बहुत भारी है, इधर देखिए ये तो और ज़्यादा भारी को लेकर के आ रही है, इनको हाथ में उठाना बनेगा नहीं, जो कि औरत लोग को फिर ये लड़की लोग को ऐसे करके उठाना पड़ता है, तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, अभी पूरा देख सकते हैं वहाँ ऊपर जाना है, वो देखिए ये फर्स्ट सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, बहुत आगे जाना है यार, गाइस इनका यहाँ पे भी पेट नहीं भरा, कुछ ना कुछ अजीबो गरीब बना दिए, देखिए दिखाते हैं, हम आज नहीं बनाए थे कल परसों बनाए थे, इनके लिए बनाए थे जब हम यहाँ छत में हमको काम मिला था उस टाइम, दिखाए दिखाए हाँ दिखा, ये आप है,
ये आप है, दो गो पैर है, ये दो गो हाथ है और ये मुंडी है आपका, ये पेट है। अच्छा, कौन से एंगल से मेरा जैसा दिख रहा है? टुबुक 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 टुबुक, हाथ तो आपका पूरा मुड़ जाता है। जब खाली बैठे रहती है गाइस तो ये यही सब करती है और कुछ नहीं। इसका कैसा बनाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मेरा जैसा दिख रहा है कि नहीं वो भी बताइएगा। हाँ, हम इन्हीं के लिए बनाए हैं, कैसा है जरूर बताइएगा। यही है आपके भैया है, ये देख लीजिए गौर से, ऐसे ही दिखते हैं। चलो, ये आपके भैया है, देख लीजिए गाइस, सब गौर से देख लीजिए। आपके भैया को हम बना दिए, कैसा है जरूर बताइए। यही है, देखिए इनका पैर। डिस्को डांसर, डिस्को डांसर, तो फिर से आ गए वहाँ पे। अभी बार बार काम करेंगे तो मज़ा नहीं आता ना, थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अंदर में देखिए कुछ हो रहा है यहाँ पे, बास्केटबॉल जो ग्राउंड बन रहा है यहाँ पे उसको यहाँ पे बिछाया जाएगा, यहाँ टाइल्स जैसा बिछाया जाएगा लकड़ी को। तो यहाँ पे देखिए ये रबर है और इसका में मारा गया है काठी। तो देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ऐसा लग रहा था दूर से देखे ना, तो कोई बिस्किट सबको रखा है, चॉकलेट वाला बिस्किट ही लग रहा था पूरा। देख सकते हैं गाइस, ये पूरा जो हॉल जैसा बन रहा है, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बास्केटबॉल खेला जाएगा इसमें। अभी इसका तैयारी चल रहा है, मतलब यहाँ पूरा अच्छे से बनाया जा रहा है। अभी जब बन जाएगा ना तो मेकोन में ही है ना, तो बहुत कोई आएगा, जैसे कि कोई भी आ सकता है यहाँ पर खेलने के लिए, या फिर हो सकता है कि टूर्नामेंट के जब होगा उस समय रखा जाएगा, या फिर कभी भी कोई आ सकता है खेलने के लिए, हो सके तो हम लोग भी आ सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग मतलब एक भैया लोग हैं, हम ही लोग के साथ में काम करते हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए पूरा गंदा, इन लोग का काम अलग है। देखिए इसको बोलते हैं पुट्टी लगाना, देखिए जो कि इसको लगाने से ना पूरा कलर मस्त हो जाता है, मतलब नया हो जाता है। देखिए लाइफ टाइम हो जाता है, लाइट मारता है पूरा, और लाइफ टाइम के लिए होता है, इसमें नहीं छूटेगा। सबका काम मेहनत है, भैया लोग का भी काम बहुत मेहनत भरा है। तो ये जितना भी यहाँ पे है ना, सब भैया लोग किए हैं। इधर मरा चुका है, देखिए इधर पूरा अच्छा लग रहा है ना, पूरा साफ सुथरा, पूरा गंदा दिख रहा है, तो इसको भी मार रहे हैं अच्छे से। ठीक है गाइस, भैया लोग को करने देते हैं, हम लोग भी जाते हैं अपना काम करने। हम लोग का भी अब टाइम होने वाला है, हम लोग को भी अब काम करना चाहिए। तो गाइस, आज का भी काम हम लोगों का खत्म हो चुका है, अब हम लोग पैर धो लिए पूरा। देखिए हम तेल लेके आए हैं, तेल लगा रहे हैं, अब घर निकलेंगे। घर जाते जाते पूरा पूरा फट जाता है। और हम लोग एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं, तो हम लोग का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, हर वीडियो चेक करते रहिएगा। और वो क्या है स्पेशल है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, अभी हम बताएंगे तब तो। जो सरप्राइज़ हम आप लोगों को देना चाहते हैं वो तो बेकार चला जाएगा ना। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल में, ताकि आप लोगों को रोज अपडेट मिले, आप लोग देखें, और जब हम लोग जाएंगे उस टाइम आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं से एंड करेंगे, क्योंकि घर जाके हम लोग को और भी बहुत सारा कुछ काम है और आराम भी करना है। और घर जाते जाते भुला जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं, इधर से जाते जाते सीधे सो जाते हैं, आराम करते हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग मेहनत भरा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।